नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। एसटीएफ ने नीरज यादव को दबोचा, व्हाट्सएप से भेजा था पेपर। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने बलिया के रहने वाले नीरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज यादव ने व्हाट्सएप के जरिए सारे सवालों का जवाब शेयर किया था। एसटीएफ को एक और आरोपी की तलाश है जो कि मथुरा का रहने वाला है। बता दें कि शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा था कि पेपर लीक मामले की जांच कराई जाएगी। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा था, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए है। परीक्षाओं के शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बक्से नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रवेश द्वारा के सामने से लेकर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को जारी रहा। बता दें कि कथित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मामले में भर्ती बोर्ड ने इंटरनल जांच के लिए एक जांच कमेटी की गठन कर लिया गया है। एडीजी रैंक के अधिकारी इस जांच कमेटी को डेट कर रहे हैं और भर्ती बोर्ड के पास अब तक तकरीबन 1500 शिकायतें अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल से भेजी गई है। इंटरनल समिति इन्हीं शिकायत की जांच करने पता लगाएंगे कि वाकई में एग्जाम के पहले पेपर लीक हुए थे या नहीं। आपको बता दें कि अभ्यर्थी लगातार री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।